हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय चैनल। टुडे आई विल एक्सप्लेन अबाउट अप्लाइड एरियाज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कई सारे एरिया कि जो माइक्रोबायोलॉजी का जो फील्ड है उसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी से। ये मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का फील्ड है वो हेल्थ से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? हेल्थ। सो इस फील्ड के अंदर जो आप स्लाइड के ऊपर देख रहे होंगे, कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिसीज को, डिसीज कॉज करने वाले जो एजेंट उसको हम पैथोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पैथोजन। सो ये पैथोजन है, वो पैथोजन कोई स्पेसिफिक डिसीज कॉज करने के लिए सक्षम होता है। सो इस पैथोजन उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बच्चों? आइडेंटिफाई कि कौन सा पैथोजन है कि जो उसने वो डिसीज किया है। ठीक है, उसके बाद इस आइडेंटिफिकेशन के बाद उसके अकॉर्डिंग हम डायग्नोस्टिक प्रोसीजर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। कौन सी प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे कि ये डिसीज है वो कम हो जाए और डिसीज है वो दूर हो जाए। ठीक है, सो उसके बाद प्रिवेंटिव मेजर्स, ये सारी बात मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है उस फील्ड के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, सेकंड देखते हैं एक्वाटिक माइक्रोबायोलॉजी। ये एक्वाटिक माइक्रोबायोलॉजी वाटर से जुड़ा है। किससे जुड़ा है बच्चों? वाटर से जुड़ा है। सो वाटर प्यूरिफिकेशन फर्स्ट, जो वाटर पीने लायक है, जो पानी पीने लायक है वो कितना प्योर होना चाहिए। ठीक है, वो प्योर कब हम उसको बोल सकते हैं कि ये वाटर हम पी सकते हैं? तो उसके लिए माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन, माइक्रोबायोलॉजिकल कई सारी टेक्निक्स है, कई सारी जो टेस्ट है, प्रोसीजर्स है, वो हम करते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि वाटर प्योर है या अनप्योर है। ठीक है, दूसरी बात वेस्ट वाटर, दूसरा है वेस्ट वाटर। जो वाटर हम यूज में लेते हैं रूटीन के यूज के अंदर जो वाटर आता है, दूसरा इंडस्ट्रियल वाटर भी है कि इंडस्ट्री के अंदर जो वॉशिंग में यूज होता है, ठीक है, क्लीनिंग पर्पज के लिए, तो वो सारा पानी जो है वो वेस्ट वाटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेस्ट वाटर। सो ये वेस्ट वाटर है वो डायरेक्टली हम किसी भी वो रिवर या किसी भी पॉन्ड्स के अंदर हम डायरेक्टली नहीं वो हम डाल सकते। इस वेस्ट वाटर को हम थोड़ा सा उसके अंदर कई सारी जो प्रोसीजर लगा के ये वेस्ट को कम वेस्ट वाटर या तो जो वेस्टेज मटेरियल है उसको हम दूर कर देते हैं। ठीक है, कई सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड है वो इस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के थ्रू हम उसको दूर कर देते हैं। ठीक है, दूसरी बात इकोलॉजी इसके साथ जुड़ी हुई है, एक्वाटिक माइक्रोबायोलॉजी के साथ, क्योंकि पानी है वो भी एक इकोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, दूसरी एक्वाटिक माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर मैंने एक लेक्चर्स वीडियो कोलिफॉर्म का कोई टॉपिक है एक, वो मेरी चैनल के ऊपर है, आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं एरो माइक्रोबायोलॉजी। व्हाट इज एरो माइक्रोबायोलॉजी? जब हमको स्नीजिंग कफिंग होती है तब वो हमारी बॉडी में से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं। क्या निकलते हैं? छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स। ये ड्रॉपलेट्स है वो एयर के अंदर मिलजुल जाते हैं। ठीक है, उसको एरोसोल्स बोलते हैं, एरोसोल। ठीक है, आप देख रहे होंगे ये इस प्रकार के कुछ एरोसोल्स होते हैं, वो हमारी जो कफिंग और स्नीजिंग के टाइम हम वो अपनी बॉडी में से, हमारी बॉडी के अंदर तो वो कहीं कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है हमें या तो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी जो स्नीजिंग और कफिंग के टाइम वो बाहर निकलते हैं और वो हैंड टू हैंड कॉन्टेक्ट, ये आप देख रहे होंगे कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन। ठीक है, कि टच करने से या तो कोई एक अपनी एकदम नज़दीक है तो तब हम वो उसने जो छींकते हैं तब हमारी बॉडी में से निकला हुआ ड्रॉपलेट्स
उसकी जो ब्रीदिंग के अंदर आता है तो वो अंदर ले लेता है, तो इसे ये ट्रांसमिट होता है। क्या होता है बच्चों? ट्रांसमिट होता है, और कंटामिनेशन है वो ब्रॉड लेवल हो जाता है। ठीक है, उसका मेन एग्जांपल आपको बताऊँ तो COVID-19, थोड़े समय पहले हमने देखा COVID-19 को इसी ट्रांसमिशन की प्रोसेस है वो इसी प्रकार से कुछ ट्रांसमिशन की प्रोसेस देखने को मिली थी। ठीक है, देन आगे देखते हैं फूड माइक्रोबायोलॉजी, कि हमारे जो खाने की जो सारी जो बातें हैं उसके साथ भी माइक्रोबायोलॉजी जुड़ा है। फूड प्रिजर्वेशन एंड प्रिपरेशन, ये दो वर्ड्स आपको ये सारा फील्ड जो फूड माइक्रोबायोलॉजी का है वो दिखा देता है। सबसे पहले प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन क्या है? किसी की फूड को हम स्टोर करके रखते हैं लॉन्ग या शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, तो हम ये स्टोर करना है तो कई सारे जो केमिकल प्रिजर्वेटर्स है वो प्रिजर्वेटर हम ये फूड के अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो वो प्रिजर्वेटर्स उसको कोई कंटामिनेंट, कोई बैक्टीरियल, कोई फंगल सेल है उसको उस फूड के अंदर कंटामिनेशन लाने नहीं देता। ठीक है, और उसको हेल्दी रखता है। दूसरी बात, टेम्परेचर प्रेशर, अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर चेंजेस कर दें तब भी वो फूड है वो विदाउट एनी कंटामिनेंट रह सकता है। ठीक है, आपको पाश्चराइजेशन प्रोसेस ऑफ मिल्क की जो पाश्चराइजेशन प्रोसेस है वो आप सभी को पता होगा कि पाश्चराइजेशन में क्या है, टेम्परेचर है मिल्क का वो ही हम चेंज करके उसको स्टोर करते हैं। दूसरी बात बताइए प्रिपरेशन, कई सारी जो प्रोसेस है फूड की उसको ये फूड को हम स्टोर करने के लिए या तो ब्रॉड या लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए हम प्रिपरेशन है वो करते हैं। फूड की कई प्रिपरेशन है, वो प्रिपरेशन करने के बाद उसको हम पैक करते हैं। ठीक है, तो ये पैक करने के बाद हम उसको हेल्दी रख सकते हैं। दूसरी बात कि कई बार कोई गलती के कारण फूड है वो प्रिजर्व प्रॉपरली नहीं हुआ। ठीक है, तो वो प्रिजर्व प्रॉपर नहीं हुआ तो कई सारे जो फूड बॉर्न डिसीज वो फूड बॉर्न डिसीज वो फूड खाने के बाद हमको हो सकते हैं। ठीक है, तो ये फूड बॉर्न डिसीज है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, ये सारी की सारी बात ये फूड माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड के अंदर देखने को मिलती है। देन एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, जो क्रॉप है वो सॉइल के अंदर हम जो क्रॉप है उसको सीडलिंग कर देते हैं क्रॉप के लिए, तो इस सॉइल मेन रोल है कैसी सॉइल है। जितनी ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होगी उतना ही ज़्यादा यील्ड हमें इस क्रॉप का मिलता है, किसी भी क्रॉप है उसका मिलता है। ठीक है, तो ये फर्टिलिटी को हम मेंटेन कैसे रखते हैं, कई सारे जो बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, कई सारे जो फंगल सेल है, कई सारी अलगल सेल भी है, वो सॉइल जो है उसको फर्टाइल रखने में मदद करता है, फर्टाइल रखने में उसको हेल्प करता है। ठीक है, और दूसरी बात, वो जो फील्ड है उसके अंदर किसी भी क्रॉप है उसको कभी प्लांट डिसीज यानी कि किसी वायरस है उसका इन्फेक्शन वो लग जाता है, तब ये फील्ड के अंदर की जो क्रॉप है उसको हम कैसे इस इन्फेक्शन है या तो कोई डिसीज लगा हुआ है तो हम कैसे उसको रिमूव कर सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं, इस सारी की सारी बात एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी का फील्ड है उसके अंदर देखने को मिलती है। देन बायोटेक्नोलॉजी, ये बायोटेक्नोलॉजी की जो बात है वो DNA, RNA, ठीक है, ये सारी की जो जेनेटिकली जो वो प्रोसेस है उसके साथ जुड़ा हुआ ये फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी का। साइंटिफिक मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली एट मॉलिक्यूलर एंड जेनेटिक लेवल, मैनिपुलेशन करना है बट
किस लेवल पर करना है? जेनेटिक लेवल पर करना है, मॉलिकुलर लेवल पर करना है, ठीक है। सो इस टाइप की जो प्रोसेस करने के बाद हमें कोई अच्छी जो चीज़ है वो हमें मिल सकती है इस बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड के अंदर। उसका एक एग्जांपल है, आपको बता दूँ, बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल है, ये सारी जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमें इस जो फील्ड है उसकी ही देन है, ठीक है। देन सेकंड देखते हैं इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का फील्ड। ये इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का फील्ड क्या है? इस इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का जो फील्ड है उसके अंदर कई सारी जो मेडिसिनल प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन देखने को मिलता है। कैसे मेडिसिनल प्रोडक्ट? एंटीबायोटिक, वैक्सीन है, कई मेडिसिन्स है, सीरप्स है, ये सारी जो प्रोडक्ट है वो मेडिसिनल प्रोडक्ट की प्रोडक्शन हम इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के जरिए कर सकते हैं, ओके। देन फर्मेंटेड बेवरेजेस, कई सारी अल्कोहलिक प्रोडक्ट, ये अल्कोहलिक प्रोडक्ट भी इस इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के हिसाब से ही मिलती है। देन इंडस्ट्रियल केमिकल्स, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, हॉर्मोन्स बाय जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड या तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं, इसके द्वारा हम हॉर्मोन्स, प्रोटीन्स, कई सारे एमिनो एसिड्स है, कई सारे जो ऑर्गेनिक एसिड्स है वो सारा प्रोडक्शन हम इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के जरिए हम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि इस इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर मैंने एक डीप में, बहुत ही डिटेल में एक लेक्चर्स वीडियो मेरी चैनल के ऊपर है, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। देन एक्सोम माइक्रोबायोलॉजी, ये फील्ड ऐसा है कि अर्थ के सिवा स्पेस के अंदर भी इस फील्ड हमें देखने को मिलता है, एक्सो माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है उसको, ठीक है। आउटर स्पेस के अंदर भी ये एक्सो माइक्रोबायोलॉजी का फील्ड, उसके अंदर भी कई सारे बैक्टीरियल सेल, फंगल सेल, वायरल सेल, कई जो रिसर्च पेपर है उसके थ्रू हमें वो जो इंफॉर्मेशन हम गूगल के अंदर है कि वो आउटर स्पेस में भी माइक्रोबियल सेल पाए जाते हैं, है? उसके बाद है जियोकेमिकल माइक्रोबायोलॉजी। ये जियोकेमिकल माइक्रोबायोलॉजी का जो फील्ड है वो एकदम हम देखें तो कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ कॉल्स, मिनरल ऑयल एंड देन नेचुरल गैस, उसका फॉर्मेशन हम इस फील्ड के साथ हम कर सकते हैं। देन प्रोस्पेक्टिंग फॉर डिपॉजिट ऑफ कॉल, ऑयल, गैसेस, रिकवरी ऑफ मिनरल्स फ्रॉम लो ग्रेज ओर्स, कई सारे जो मिनरल्स है उसकी रिकवरी इस फील्ड के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। आप नीचे दिए गए एक फिगर के अंदर आप देख सकते हो कि जो कई सारी जो प्रोसेस वो माइक्रो लेवल बोल सकते हैं लो ग्रेज जो ओर्स है उसमें से हम ये मिनरल्स है, कई सारे जो मिनरल ऑयल्स है वो हम उसमें से निकालते हैं, तो उसके अंदर भी ये माइक्रोबायोलॉजी का फील्ड की जियोकेमिकल माइक्रोबायोलॉजी में देखने को मिलता है, ठीक है। सो एक बात और बे बच्चों की, आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, देन लाइक और कमेंट में मुझे बताना कि इस सारे के जो फील्ड है उसमें से कौन सा फील्ड है उसके अंदर आप को डिटेल में स्टडी के लिए उसकी ज़रूरत है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स।